हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अन अकेडमी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आप लोग। और हम लोग जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वी जस्ट वांट टू क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी हेड टीचर का जो प्लस फुल लेंथ पे जो कोर्स है वो कंप्लीट सिलेबस जो है उन्नीस जून से स्टार्ट हो चुका है। जबकि 68 बीपीएससी प्रीलिम जो है वो 26 जून को यानी आज से ये स्टार्ट होगा 11 बजे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार कांस्टेबल प्लस का टेस्ट सीरीज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होने वाला है आज से ही 2 बजे से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार एसआई प्रीलिम प्लस का जनरल स्टडी से 19 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर हमारे प्लस की बात करते हैं, प्लस फीचर की बात करते हैं, बट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स पढ़ने का मौका, एग्जॉस्टिव कवरेज, कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे हम प्रोवाइड करते हैं। सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको आप जो है टॉप एजुकेटर के निर्देशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। और यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है विजय फाउंडेशन का जो है 29 जून को। और यहाँ फाउंडेशन कोर्स जो है ये भी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। आप देख सकते हैं किसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं लल्ला, ओके। और इधर अगर आप देखें तो वन सब्सक्रिप्शन में आपको प्रीलिम्स और मेंस, बिहार हेड मास्टर CDPO, बिहार हेड टीचर या BSSC सचिवालय जो सहायक है, ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह से। आप ये देख सकते हैं लल्ला। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है जिसमें बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। 18,520 रुपये एक साल का, 2 साल का इसमें। और साथ ही आप 10% आप इसमें भी एडिशनल डिस्काउंट आप ले सकते हैं अगर हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं LP10 Lite। तो दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि 2 साल का, 1 साल का या 6 महीने कोई भी आप अगर कोर्स लेते हैं, कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो इसमें भी एडिशनल डिस्काउंट आप पा सकते हैं। बस आपको हमारा रेफरल कोड ये यूज करना है यहाँ पर LP10 Live, ये रेफरल कोड आपको दिलाएगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट, ओके। तो आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने काम पर। हम लोगों ने काफ़ी सवाल कर लिए थे, उसके आगे आज हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। कहां तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने? काफी पढ़ा था। आइए हम लोग देखते हैं कहां तक पढ़ लिए थे, कहां तक। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपको याद होगा कल हम लोगों ने यहां तक कवर किया था, याद आ रहा है? बिल्कुल कर रहा है निशा, बिल्कुल कर रहा है बेटा। 2 दिन नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? बराबर क्लासेस तो बराबर चली हैं, ऐसा तो नहीं है? देखो बेटा, नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको देखिए 10 से 10:30 के बीच में ना आपको जरूर एक बार चैनल पे आकर के विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान आपका होगा। हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। हाँ, जिस दिन नहीं शो करेगा इसका मतलब वो दिन क्लास नहीं है। अच्छा हाँ, एक दिन शाम को क्लास हुई थी बेटा। कौन सी तारीख थी? कल 25 थी, 24 तारीख को ना शाम को क्लास थी। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कल ही हम लोगों ने बात किया था इसकी। चलो देखते हैं कौन सही बता रहा है, कम ऑन माय चाइल्ड। चलो चलो भैया बताओ जल्दी से। अभी बफरिंग हो रही है क्या? नहीं, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, गैसों का आदान प्रदान हमेशा किससे होता है? डिफ्यूजन से, परासरण से, जल का या उसमें घुले हुए पदार्थों का होता है। बाकी और जो है ठीक है।
रंध्रों के खुलने का आधार क्या है? बाह्य परासरण, अंतर परासरण, रक्षक कोशिकाओं का प्लाज्मोलिसिस या इनमें से सभी? रंध्रों के खुलने का, बोलो। रंध्र आपको पता होगा, रंध्र तो आप जानते हैं ना, पत्तियों, अगर हम बात करें पत्ती के नीचे, तो पत्तियों के नीचे बेटा ना, अगर आप देखें तो इस टाइप के रंध्र होते हैं। रंध्र के चारों तरफ, चारों क्या, दो तरफ जो है दो गार्ड सेल होती हैं। इन ये जब फैलती हैं तो बीच में जगह हो जाती है और ये अंदर ऐसे चला जाता है, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, अंदर चले जाते हैं या जल बाहर निकल आता है, यही होता है। तो इसमें बताइए क्या होता है, बाह्यपरण होता है, अंतः परासरण होता है, रक्षक कोशिकाओं का प्लाज्मोलिसिस होती है, इनमें से सभी? रंध्रों का खुलने का आधार क्या होता है, बोल। बताओ जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी। बताओ बताओ, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, अंतः परासरण। अभी आपको मैंने दिखाया, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपको अगर मैं कहूं कि अगर आप दो बलून ले लो बेटा, बलून आते हैं, आपने देखा एक पतले पतले बलून हो, ऐसे इस टाइप के बलून आप ले लो, ऐसे बलून है थोड़े टेढ़े से, जब ये चिपके रहेंगे ना बेटा, ये जब ये फैलेंगे तो बीच के भी साइज ये टेढ़े हो जाएंगे, ये देखो ऐसे हो जाएंगे, ये जब फूलेंगे ना तो ऐसे हो जाएंगे, ये ढेर सारा ऐसे हो जाएगा, और जब इनमें से हवा निकाली जाएगी ना तो ये पिचक जाते, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये पिचक जाएंगे, ये देखो ऐसे रहेगा और फिर ऐसे रहेगा, हवा जब भरेंगे तो ये वाला जो भाग है ये फैल जाता है, खुल जाता है, यानी जब इनमें पानी आता है, इसके अंदर अंदर अगर पानी आ जाता है तो फैल जाते हैं, खुल जाता है। तो अंतः परासरण के द्वारा ही जो है ना, मेरी बात क्लियर ना, बिल्कुल, अंतः परासरण के द्वारा जो जब होता है तो ये खुलते हैं और फिर बाद में बंद होने, यहां पर ये खुलने की बात किया है, बंद होने की बात नहीं किया है बेटा, एंडोस्मोसिस से ये खुले। ओके, बात क्लियर हो रही? नेक्स्ट, ये देखो जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये स्टोमेटा नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बेटा, ये देखो यहां पर स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है, नीचे देख रहे हैं ना, एक इधर है, ये नीचे ही रहते हैं तो दोनों इसी के अंदर से आप जानते हैं कि सारा का सारा जो है जो भी चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर जाती है इस तरीके से, और ऑक्सीजन भी, एक मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर गई और यहां से ऑक्सीजन निकलती है इधर से, तो ये फैल जब दिन के समय क्या होता है, ये खुल जाती हैं सामान्यतः, और रात के समय ये क्या हो जाती, बंद हो जाती। तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी सेल, जो इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, है ना, हाँ, सहयोगी कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें क्या करती हैं, पानी दे देती, तो ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, इंडास्मोसिस होता है, फैल जाता है और फिर वहां से ये बाहर निकल जाता है। ये है स्टोमेटा। ये बताओ बेटा, ये क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। अरे भाई कौन बद्दुआ दे रहा है? हिना लल्ली, क्या हो गया बेटा, कौन बद्दुआ दे रहा है? बद्दुआएं लगती ही नहीं, दुआएं ही लगती हैं। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं, है ना। अर्ध पारगम में झिल्ली को जब पार करके जाएगा, कोई बात नहीं,
प्लाज्मोलिसिस के कारण पादप कोशिका क्या होती, फट जाती है, फूल जाती है, शिथिल हो जाती है। प्लाज्मोलिसिस मस्तिया अभी भी बचपन की आदतें गई नहीं, अब मैच्योर हो गए हो लल्ला, तैयारी करो। बिल्कुल बेटा, शिथिल हो जाती, फ्लशिंग है ना, प्लाज्मोलिसिस हो जाती। जब एक कोशिका को हाइपरटोनिक बिलियन में डाला जाता है तब कोशिका शिथिल हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहां पर देखो, हाइपरटोनिक में जब डाला जाएगा तब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डाला जाता है तो क्या होता है आपको पता ही, बताओ लल्ला। नहीं समझ में आएगा तुरंत तो बोलेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बस हो गया, अब पढ़ाई करो लल्ला लल्ली, हो गया, मस्तियां हो चुकी। इसी को तो हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस, या बाहर आकर के शिथिल हो जाने की क्रिया है ना, प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। हला ये जो क्रिया है वो होती क्यों है, वो एक्स ऑस्मोसिस के कारण होती है, एक्स ऑस्मोसिस के वही परासरण के कारण होती है। लेकिन जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं, यहां पर ये बात करें कोशिका की, जीवित कोशिका की शिथिल हो जाना, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। समझ में आ रहे लल्ला? कहने का मतलब यहां अगर आप समझें मेरे लाल, मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए एक पात्र हमने यहां ले लिया, एक पात्र हमने यहां ले लिया, या सेल को मान लो, तो सेल में होता क्या है, सेल में तो बेटा आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस चारों तरफ से किससे भरा हुआ है बोलो, चारों तरफ ये भरा है क्या, ये इसका भरा है साइटोप्लाज्म, सारा का सारा साइटोप्लाज्म भरा है। लेकिन अगर ये कोशिका, ये कोशिका किसी ऐसे है ना, किसी ऐसे बर्तन में रख दी जा रही है जिसमें भरा हुआ है क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी बाहर वाला गाढ़ा है अंदर के कंपैरिजन में। हाइपरटोनिक का मतलब समझ रहे हो ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कोशिका के अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है उसके कंपैरिजन में यह गाढ़ा है, यानी हम यहां पर लिख दें यह गाढ़ा, समझ लो, तो इसी को हाइपरटोनिक बोलेंगे। यह गाढ़ा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा इधर निकल आएगा और सारे मटेरियल जो है ना एक तरफ ऐसे, ये एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, लिक्विड तो सारा का सारा पानी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल और सब बचे हुए हैं ना वो सेल के चारों तरफ ऐसे घिर जाएंगे बेटा, ऐसे, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। हां बिल्कुल, वही परासरण के कारण ही हुआ, लेकिन क्या हुआ उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। समझ में आई बात? तो इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। कब? जब हाइपरटोनिक, यानी बाहर वाला गाढ़ा तो हाइपरटोनिक, अगर बाहर वाला हल्का तो हाइपोटोनिक, तो अंदर पानी जाएगा, अगर बाहर वाला हल्का होगा तो अंदर पानी जाएगा, तब ये फैल जाएगा, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? हां चलें आगे। क्वाइल्ड नहीं हो जाएगा, ये सारे के सारे आकर के इधर ही चिपक जाएंगे बेटा, जो भारी तत्व होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। गेट इट लल्ला एंड लल्ली? आगे चलते हैं। रंध्रों के आकार को मापने वाला यंत्र क्या है, पोटोमीटर, पोरोमीटर, एटमोमीटर या बैरोमीटर?
चलो 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 जल्दी 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 है ना, पोरोमीटर। पोर रंध्र यानी पोर, पोटोमीटर तो बताता है वाष्पोत्सर्जन की हाँ मात्रा को, है ना, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को हम मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो वहां पर यूज किया जाता है पोटोमीटर। लेकिन पोरोमीटर जो है इसकी आकार को। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा, या इनमें से सभी? बोलो। गैसों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही बेटा, सभी से होता बेटा। कोशिका के फूलने के क्या कारण हैं? प्लाज्मोलिसिस, एंडोस्मोसिस, मछली क्या चीज है जी? डीकंपोजिशन। अच्छा बताओ फूलने का क्या कारण? अरे एक सासमोसिस होना चाहिए, लिख दें। ये मछली मछली जो लिखा है ना, बोलो एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस है ना, क्लियर हो रही कि नहीं बात? सिंपल सी बात बेटा, कोई कोशिका फूल रही इसका मतलब है कि अंदर पानी उसके भर रहा है। एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब इसे डाला जाता है, किसमें? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। मैंने आपको बताया हाइपरटोनिक यानी बाहर वाला गाढ़ा, हाइपोटोनिक यानी बाहर वाला हल्का, और आइसोटोनिक यानी बाहर और अंदर दोनों बराबर। ये मैंने आपको पहले से खूब समझाया है, बताया है, बहुत है बुझाया है। आगे बताओ। बिल्कुल सही बेटा, अल्प पराशरी बिलियन में अगर हम डालेंगे तो इंडास्मोसिस होगा, है ना? बिल्कुल। अगर इसमें हम किसी को डालते हैं लल्ला, मान लीजिए ये सेल है, तो अंदर ये पूरा का पूरा हाइपरटोनिक होगा, तो सारा अंदर भर जाएगा, और जब ये भर जाएगा तो इका हो जाएगी, ई जो है ना, ई ये थोड़ा सा फूल जाएगी, ये देखो ऐसे हो जाएगी, फैल गई, अंदर भर गया ना पानी, तो ये देखो ये फैल गए, ठीक है। डंबल आकार की सुरक्षा कोशिका, गार्ड सेल, बोलो, मूंगफली में, चना में, आम में, गेहूं में, गार्ड सेल। जैसे आपको पता है कि गार्ड सेल दो टाइप की होती है ना बेटा,
एक होती हैं जो कि सेम के बीच के जैसी, ये देखो ये होती है, ये सेम के बीच की जैसी। एक गार्ड सेल तो ऐसी है, और एक गार्ड सेल कैसी ये बता रहा है, ये कह रहा है एक गार्ड सेल ऐसी भी होती है। अब किसमें ये वाली गार्ड सेल होती है, किसमें ये वाली, ये बीन सेम सेम के बीच के आकार की, या किडनी बीन जो भी है, और वे डंबल आकार की, किसमें कौन होता यही बताना है लल्ला, कम ऑन। बिल्कुल सही बेटा, एक बीज पत्री में कैसी होती है, तो गेहूं एक बीज पत्री, बाकी सब दो बीज पत्री है, तो ये होती है गेहूं, ये एक बीज पत्री में होती है मोनोकॉट, मोनोकॉट में होती है डंबल आकार की, और डाइकॉट में होती है बीन, क्या बीन है ना, सेम के बीज की जैसी। तो ये दोनों बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, गार्ड सेल दोनों हैं, दोनों रंध्र पे हैं, लेकिन यहां पर ये पाई जाती है। गेट इट, गुड। नेक्स्ट, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाता है लल्ला, बोलो, कम ऑन माय चाइल्ड। बिल्कुल सही, फोलियर। क्या कहलाता है, फोलियर कहलाता है, वह कोशिका जो सुरक्षा कोशिका से संबंधित है, सहायक कोशिका, पूरक कोशिका, संपूरक कोशिका या टी कोशिका, सुरक्षा कोशिकाओं के साथ में जुड़ी होती हैं कोशिकाएं। और उन्हीं के साथ में इनका इंडास्मोसिस और एक्सास्मोसिस होता है, यानी कहने का मतलब मैं अगर यहां पर बना के बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं जो गार्ड कोशिका, गार्ड सेल, गार्ड सेल में भी हरित लवक होता है, याद रखना बेटा, इन सब में भी सारे ग्रीन कलर की होती, और इसको घेर करके ना ऐसी ढेर सारी कोशिकाएं इनको घेरे रहती, ये कोशिकाएं गार्ड कोशिकाओं के चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, इनकी बात कर रहे हैं, बोलो। बिल्कुल सही आपने बताया बेटा, बहुत ही बढ़िया बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल, ये सब्सिडियरी सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं, इन्हीं से क्या होता है, जब ये रात का समय होता है ना तो सारा का सारा इसमें, सारा का सारा पानी इसमें कर देती हैं, तो ये पिचक जाती है, पिचकने से ये जो बीच का खाली वाला जो जगह आपको दिखाई दे रहा है ये रंध्र है जो आप जानते हो, पूरी ये ढक जाता है, और फिर उसके बाद पानी अंदर इसमें आएगा तो फिर से खुल जाएगा, तो इस तरीके से इंडास्मोसिस एक्सास्मोसिस की वजह से ये रंध्रों का खुलना और बंद होता है, इंडास्मोसिस से क्या होता है खुलता है, और एक्सास्मोसिस से क्या होता है बंद होता है, ठीक है। रात के समय सामान्यतः क्या होता है ये बंद रहते हैं, और दिन के समय ये सामान्यतः खुले रहते हैं, इसी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, जल जलवाष्प बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, ऑक्सीजन और जलवाष्प जो इसी से बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी से अंदर जाता है दिन के समय, रात के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाता है, आप जानते हो, बात क्लियर हो रही है, ये सब आप जानते हो, बस एक बार आपको हम बता देना चाहते हैं। ये पत्तियों में सामान्यतः आप जानते हो कि जो पत्तियां हैं पत्तियों के निचली सतह पर पाया जाता है जो सामान्य होती है ना, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जलीय पौधों में जो है जो जलीय पौधों में ऊपरी सतह पर पाया जाता है, और जो डूबे होते हैं उसमें रंध्र पाया ही नहीं जाता है, और जो क्या बोलते हैं उसको जीरोफाइट्स होते हैं उसमें रंध्र पाए जाते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं, है ना, तो इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दिस वन इज द करेक्ट, कौन सा, सब्सिडियरी सेल, ठीक है, बातें क्लियर हो गई ना, सब्सिडियरी सेल,
को हिंदी में सहायक कोशिका बोलते हैं, जो कि रंध्रों को खुलने और बंद होने में सहायता करती है। रंध्र को घेरे हुए जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं बेटा, रक्षक कोशिकाएं। द्विबीजपत्री में ये सेम के बीज के जैसी, यानी किडनी है ना, किडनी बीन के जैसी होती हैं, जबकि एक बीजपत्री में गार्ड सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हाँ, डंबल आकार की होती है। लेकिन उसमें भी और इसमें भी सब्सिडियरी सेल पाई जाती है, दोनों में सब्सिडियरी सेल पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप बेटा कि आप सब समझ गए होंगे, है ना। ओके, टी सेल तो आप जानते हो ये लिम्फोसाइट की है, लसिका कोशिकाओं की, जो कि खतरनाक सेल होती है। और पूरक कोशिकाएं, संपूरक कोशिकाएं, ऐसी कुछ कोई कोशिकाएं नहीं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन दंड को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तापमान, वायु की गति, आर्द्रता या सभी। बोलो, कम ऑन, बिल्कुल सही बेटा। चलो तो हम लोग अब देख लेते हैं कैसे प्रभावित करता है। अगर तापमान ज्यादा हुआ, अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन जो है, यानी ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा। बोलो, टेम्परेचर बढ़ने पर ये बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सामान्यतः बढ़ेगा या घटेगा, बोलो, बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब ये डायरेक्टली विंड के बढ़ने पर फिर भी बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी बेटा तो ये घटेगा, ये बेहद ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी के साथ उल्टा, हां बिल्कुल, बात क्लियर ना। यानी सभी सभी का संबंध है इससे, देखो किसी के बढ़ने पर बढ़ रहा है, किसी के बढ़ने पर घट रहा है। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है, आर्द्रता अगर बढ़ रही है, तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। ब्रिक के आकार की सुरक्षा कोशिका में उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है, देखो अब आपको यहां पर समझ में आएगा, ब्रिक आकार की सुरक्षा कोशिका, किडनी बीन जैसी, हाँ, एक सीमा तक ही बढ़ेगा, तो सामान्य ही बात हो रही बेटा, बिल्कुल, हाँ, तो प्रभावित कर रहा है ना, वो कहने का मतलब ये, एक सीमा तक बढ़ेगी नहीं, और उसके बाद जब निकल जाएगा तो झुलस जाएगी वो, तो उसमें हाँ टेम्परेरी विल्टिंग आ जाती है ना। अभी ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बोलो किडनी बीन कैसी किसमें होती है, देखो कुछ लोगों ने हाँ अभी यही समझाए थे, लल्ला सूरज मेरे लाल और हीरावती, बेटा अभी मैंने ये समझाया था, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री दोनों को लिख के बता के समझा के लिखा के पढ़ा के बोल के इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग जब गलतियां करेंगे बेटा तो बताइए कहाँ तक आदमी आपको सही करेगा, बोलो। लल्ला है लल्ली, दैट्स नॉट फेयर। अब भी जस्ट हमने बताया था दोनों को बना के बता के, किडनी के आकार की किस्में होती हैं, सेम के बीच के आकार की किस्में होती हैं, डंबल आकार की किस्में होती, तो अब आप ऐसे भूलोगी, दैट्स नॉट फेयर। जब एक कोशिका को हाइपोटोनिक बिलियन में डाला जाता है तब कोशिका फूल जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, अब बताओ, पक्का अंतःपराश्रण, बिल्कुल सही, एकदम सही। बहुभ्रूणीय लक्षण, पॉली एम्ब्रियोनी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ सिट्रस, आम, केला,
केला इनमें से कोई नहीं। बोलो बिल्कुल सही, सिट्रस में, तभी तो इसमें कई फाक होती है ना, कई फाक पाई जाती है। इसका मतलब है कि भाई इसके अलग अलग क्या हैं, एम्ब्रियो हैं। पादप में वर्ज्य पदार्थ संचित हो सकता है, पत्तियों में, छाल में, मृत कोशिकाओं से बने ऊतकों में, या इनमें सभी में। कहां पर हो सकता है जो वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी है ना, प्लांट का है, वो कहां पर रखा जा सकता है? बोलो। बिल्कुल सही, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और श्वसन में क्या संबंध है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो श्वसन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, कोई प्रभाव नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ सोच के जवाब देना है। बिल्कुल सही बेटा, अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो श्वसन में समस्याएं तो आएंगी, उल्टा हो जाएगा ना। डायरेक्टली कैसे होगा मोटिवेशनल स्पीकर भाई साहब? अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहां भर जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी ना, फिर तो श्वसन कैसे होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। साइनाइड, एजाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन दर घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप जानते हो, साइनाइड एजाइड, और धीरे 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 धीरे, बिल्कुल बेटा, घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि आप ही को घटा देता है दुनिया से, है कि नहीं? बोलो लल्ला है लल्ली, ये है। किस तापमान पर पादपों में श्वसन दर अधिकतम होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड? अधिकतम होती किस तापमान पर? तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर। पादपों में वायु प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन श्वसन दर को क्या करते हैं? प्रभावित नहीं करते, कम करते हैं, बढ़ा देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। देख लो बेटा, ये सब पॉल्यूटेंट हैं। हम इस सब प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, पादपों में। बिल्कुल बेटा, कम कर देंगे ना, सब पॉल्यूटेंट हैं, क्योंकि उसमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए,
और जब ये भरे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। पादपों में श्वसन दर को रोकता है, कौन सा तत्व है जो श्वसन दर को रोकता है बेटा? लेड, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर? लेड, बिल्कुल। नाइट्रोजन तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नाइट्रोजन अगर नहीं रहेगा तो उसका क्लोरोफिल कैसे बनेगा? नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप जानते हैं नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पत्तियां क्या हो जाती है, नेक्रोसिस रोग हो जाता है। बिल्कुल चाहिए। और मैग्नीशियम तो आप जानते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट का मेन क्या है, उसके पोरफायरिन का मेन तत्व है ना। सल्फर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर लेड जो होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले जब ज्यादा धुआं होता था, किनारे किनारे पेड़ जो होते थे वो क्या हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। ठीक है, किसमें सबसे अधिक श्वसन दर देखा जाता है? पत्ती में, अंकुरित बीजों में, शुष्क बीजों में, हां कि कोलेनकाइमा में, किसमें अधिक देखा जाता है? गुड, बहुत बढ़िया सवाल। कम ऑन, बिल्कुल सही बेटा, अंकुरित बीजों। अरे मेरे लाल, अगर वो श्वसन नहीं करेगा, श्वसन से ही तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा नहीं होगी उसके पास तो बढ़ेगा कैसे? इसीलिए जब जहां पर अंकुरण होता है तो वहां पर आपको गर्मी लगती है, लगती कि नहीं लगती बोलो? गर्मी लगती है ना, क्योंकि वहां सारा का सारा एनर्जी बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा। कभी कोल्ड स्टोर में जाकर के देखोगे तो आपको, हम उसको अभी आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर को हम 30 डिग्री कर देते हैं तो उसमें श्वसन दर बढ़ जाती है। यस, इसीलिए इनको कम टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि उसमें श्वसन कम हो, और श्वसन कम रहेगा तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। समझ में आया? हाँ, अंकुरण के लिए प्रकाश तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म तो है ही है, पोषक भ्रूणपोष तो है ना लल्ला। यस, समझो थोड़ा बातों को, उलझो नहीं। श्वसन मापी से मापा जाता है ट्रांसपिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही, श्वसन दर को मापा जाता है। भ्रूण कोष, नॉट पोस, यहां कोष की एम्ब्रियो सैक, नॉट एंडोस्पर्म की बात करें हम लोग। एम्ब्रियो सैक जिसमें मादा युग्मक अंडाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पराग कोष, बीजांड, वर्तिकाग्र या पुष्पाशन? बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज द लास्ट सवाल। बोलो, करेक्ट है ना, बीजांड। देखो यहां थोड़ा समझो मेरे लाल, आपको पता है ये है पुष्पासन, और पुष्पासन के ऊपर है
ये फीमेल जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल जायांग, यहां हम स्त्री केसर, और स्त्री केसर के सबसे ऊपर ऐसे ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? ये है स्टिग्मा। ओके, वर्तिकाग्र, दिस वन इज द, और इसको हम थैलस बोलते हैं, यू नो अबाउट दैट, थैलमस या पुष्पाशन कह लो। और ये होता है बेटा अंडाशय, यानी ओवरी, दिस वन इज कॉल्ड ओवरी, एंड दिस इज द स्लेंडर स्टाइल, है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। जब पराग कण, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स, यू नो अबाउट दैट, दिस इज इन येलोइश इन कलर, सो आई जस्ट दिस कलर, यहां पर ये मान लीजिए ये क्या है, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन यहां से जब उठ करके बेटा इस पर आता है तो अंदर यहां पर आपको पता है एम्ब्रियो बिल्कुल यही इसी के अंदर इस तरीके से ओब्यूल्स ना एम्ब्रियो सैक में लटका होता है, ऐसे आप देखेंगे तो इसमें ये होगा ओब्यूल्स, यस ओब्यूल्स होगा वहां, और ये इससे निकलेंगी, हाँ पाइप निकलेगी जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब से होता हुआ ये इसमें आएगा, फर्टिलाइज करेगा, देन ओव्यूल कन्वर्टेड इंटू, ओव्यूल किसमें बदलेगा, बीज में। और ये जो ओवरी है ये क्या हो जाएगी, ये फूलेगी और फूल करके कन्वर्ट हो जाएगी ये ओवरी किसमें बेटा, फल में, यस ओवरी कन्वर्टेड इंटू फ्रूट्स एंड द पेरिकॉर्प, और ओव्यूल्स कन्वर्टेड इंटू सीड। ठीक है, इतनी बातें आपको जाननी है, दिस इज ऑल अबाउट दैट, आई होप यू गॉट इट गाइज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते, कल अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, दिस वन इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, गुड। तो हम लोग कल आगे पढ़ते इसको, जाते वक्त लाइक और शेयर जरूर करें लल्ला, और हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और अभी अगर आप लोग सभी लोग आना चाहते हैं तो उस पर आ सकते हैं, 11:30 से फिजिक्स वाली क्लास चलेगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के टॉपिक से आए हुए सवालों का। थैंक यू।